हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एरोप्लेन जब टर्न लेता है सर्कल में तो उसके क्या डायनेमिक्स हैं, राइट। देखो, अगर एक एरोप्लेन को हवा में सर्कल में टर्न लेना है तो उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो टर्न नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? देखो, अगर वो हॉरिजॉन्टल है मान लो इस तरह से, तो इसमें दो फोर्सेस ऐड करते हैं इस पर, एक तो ग्रेविटी नीचे की ओर ऐड करता है और दूसरा एक लिफ्ट फोर्स होता है उसको ऊपर उठाने के लिए। तो शुरू में जब प्लेन को ऊपर उठाना होता है तो ये जो लिफ्ट फोर्स है वो ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो लिफ्ट फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा होगा तो ये प्लेन को ऊपर ले जाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर मान लो मुझे रोक देना, ऊपर ले जाने के बाद उसको रोक देना है, तो उसका लिफ्ट फोर्स उतना ही हम लोग कर देते हैं जिससे उसका जो वेट है उसका वैल्यू और लिफ्ट का फोर्स का वैल्यू दोनों सेम हो जाए। तो जब ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाता है हवा में जाने के बाद, या सेम कर दिया जाता है लिफ्ट फोर्स का वैल्यू इसके बराबर, तो वो रुक जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको सर्कल में घुमाना है ऐसे, जैसे मान लो ये प्लेन जो है इसको मैं चाहता हूँ कि ऐसे सर्कल में घूमे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में टर्न ले, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर की ओर एक सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो यहाँ मिल नहीं रहा है क्योंकि लिफ्ट फोर्स ऊपर है, वही फोर्स हम लगा सकते हैं, वेट हमेशा नीचे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि एक पर्टिकुलर एंगल पे खुद को टर्न कर देता है। अब ऐसे केस में क्या होगा बताओ? देखो, ऐसे केस में क्या होता है, ये जो लिफ्ट फोर्स है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स, राइट। अच्छा, वेट तो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, तो ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ये दो फोर्सेस हैं। अब ये जो लिफ्ट फोर्स आपको दिख रहा है, इस लिफ्ट फोर्स को दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर दो, और वो दो कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस हमको ऐसे चूज करना है ऊपर की ओर वर्टिकल, और दूसरा हमको देखना है कि इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए ना जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि ये इस सर्कल में ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे एक एक्सिस मान लो, दो एक्सिस तैयार हो गया, राइट। और ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हम लोग कार के केस में जब बात कर रहे थे एक बैंक रोड पे, ठीक है। आप ज्योमेट्री से चेक कर लेना, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसे केस में अब देखो, अगर इसको आप डिवाइड करोगे लिफ्ट फोर्स को दो कॉम्पोनेंट में, तो पहले अलॉन्ग दी वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ इसका कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। तो कॉम्पोनेंट कैसे ढूंढते बताओ? इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मुझे कंपोनेंट चाहिए तो इसके हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस एक्सिस पे। परपेंडिकुलर यहाँ टच कर रहा है तो ये ओरिजिन से आपका ये मिल जाएगा आपको एक कंपोनेंट। अब क्योंकि ये कंपोनेंट इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? इट विल बी एफ एल कॉस थीटा, क्योंकि जो कॉम्पोनेंट एंगल थीटा बनाता है वैक्टर के साथ उसमें कॉज आता है। दूसरा, इसके अलॉन्ग देखना है मुझे तो यहाँ से फिर से इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट तक आया तो ये लाइन आ जाएगी आपकी, है ना। नाउ दिस इज एफ एल साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट कॉस थीटा था तो ये साइन थीटा, तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। तो अब इस लिफ्ट फोर्स को भूल जाओ क्योंकि इस लिफ्ट फोर्स को आपने दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ एल कॉस थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एफ एल साइन थीटा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे ये प्लेन जो है इसी पॉइंट पे है, ऊपर नीचे नहीं जा रही है, हमने कुछ ऐसा किया है कि ये जो प्लेन है ऊपर नीचे नहीं जा रही है, बस सिर्फ सर्कल में घूमना है उसको, तो ऐसे केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं या वर्टिकल कंपोनेंट एफ एल कॉस थीटा है वो वेट को बैलेंस कर देता है ताकि प्लेन ऊपर नीचे ना जाए। तो ऐसे केस में एफ एल कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट एम जी, पहला इक्वेशन। और एफ एल साइन थीटा क्या है? सेंटर की ओर लग रहा है, जिस सर्कल में ये प्लेन घूमेगा उसके सेंटर की ओर लग रहा है, मतलब एफ एल साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा जो कि इसको सर्कल में घुमाएगा। सो एफ एल साइन थीटा इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल फोर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज टू, वी स्पीड है प्लेन का जिससे वो घूम रहा है, डिवाइड कर दो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, तो क्या होगा बताओ? एफ एल एफ एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी,
mm कैंसिल हो जाएगा, FL कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी tan थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये एंगल है, इतने एंगल से प्लेन को घुमाना पड़ता है अगर उसको सर्कल में घुमाना है तो। और ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो अगेन v पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्पीड पे, किस स्पीड से उसको घुमाना है, और r पे डिपेंड कर रहा है, r मतलब जिस सर्कल में घुमाना है उस सर्कल का रेडियस क्या है, कि वो बड़ा सर्कल है या फिर छोटा सर्कल है, शार्प टर्न लेना है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन वही सेम फॉर्मूला है, अगर आप स्पीड ज़्यादा रख रहे हो तो आपको ज़्यादा एंगल से प्लेन को टर्न करना पड़ेगा, अगर आपका स्पीड कम है तो एंगल भी आप कम एंगल पर टर्न करके उसको घुमा सकते हो। अगर आपका सर्कल बड़ा है, आर बहुत बड़ा है, तो सर्कल बड़ा हो जाएगा आपका, और आर डिनोमिनेटर में है, राइट, तो इसका मतलब अगर आपका आर बड़ा है, बड़े सर्कल में आप टर्न ले रहे हो, तो आप कम एंगल पे घुमाओगे तो टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना ये, तो अगर आर छोटा है मतलब आप शार्प टर्न ले रहे हो या बहुत छोटे सर्कल में टर्न ले रहे हो, तो फिर आपको एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा सेफ टर्न के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपको बताएगा कि कितने एंगल से प्लेन को टर्न लेना है अगर वो इस सर्कल में घूम रहा है जिस सर्कल में रेडियस आर है और इस स्पीड वी से घूम रहा है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।